हेलो ओबियन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कवक या फंगस से होने वाले रोग। ठीक है, एग्जाम में ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करा करें। ठीक है, अभी कर दे लाइक, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं। और इस तरह की वीडियोज़ में जो है मैं हमेशा आपको नई नई ट्रिक्स बताता हूँ, जिससे आप जीके को ईजिली याद रख सकते हैं। तो वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है, जब चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो कवक या फंगस से होने वाले रोग को याद करने की जो ट्रिक है वो है ए दाद खाग। ठीक है, ए दाद खाग, ए का मतलब है एथलीट फुट। ठीक है, एथलीट फुट जो है ये कवक या फंगस से होने वाला रोग है। दा का मतलब यहाँ पर है दाद, फिर यहाँ पर द का मतलब है दमा, ये भी जो रोग है ये कवक या फंगस से होता है। खा का मतलब है यहाँ पर खाज, और गा का मतलब है यहाँ पर गंजापन। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो रोग हैं ये कवक या फंगस से होते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और वरना ऊपर जो लिंक आ रही है आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं हमारी वीडियो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।